हम लोग जाने वाले दिल्ली के वंडर पार्क में, निजामुद्दीन स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है। मतलब ट्यूसडे से लेकर के और सैटरडे तक तो अंदर चल के दिखाते हैं। पिरामिड, ये उंगली सीधी है, ये टेढ़ा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले दिल्ली के वंडर पार्क में, काफी अच्छी जगह ये, जा करके मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे मिलता हूं। भाई मेट्रो हम लोग जाने वाले हैं, तो पंथिल पार्क से हम लोग मेट्रो लेंगे और हमें जाना है मेट्रो स्टेशन दूसरे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, चल के वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें, काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख भी सकते हो कि कहाँ पे पड़ता है। तो चलते भी डायरेक्ट वहीं पे। तो वैसे ये रहा निजामुद्दीन स्टेशन, अगर आप आते हो तो निजामुद्दीन स्टेशन नियरेस्ट पड़ता है वंडर पार्क के, और इस साइड में हम लोग अपना चलते हैं। तो यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पड़ता है वंडर पार्क, 300 मीटर आपको मिलता है, बस 300 मीटर ही दूर है। तो यहाँ से हम लोग भाई पैदल ही हम लोग जाएंगे, ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, हम लोग पैदल ही निकलेंगे अपना। 300 मीटर है बस यहाँ से। तो गाइस ये देख लो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 3 मिनट यहाँ पे अपना दिखा रहा है और 220 मीटर दिखा रहा है यहाँ पे। जस्ट ये मेट्रो स्टेशन इस साइड में, और इस साइड से आप जाओगे तो तिरछे रास्ते से फ्लाइंग ओवर के उस पार ही वंडर पार्क है, मैंने अभी मैप पे देख लिया। तो हम लोग सीधे ही अभी चलते हैं अपना। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे वंडर पार्क, और ये रही हमारी वंडर पार्क की टिकट। और देख सकते हो कि वंडर पार्क के गेट पे ही हम लोग मस्त अपना खड़े हुए हैं, और उस साइड में अपना टिकट काउंटर। एक बार टिकट का चल के आपको रेट दिखा देता हूँ, कितना टिकट का रेट है यार मेरे को। ये देखो ये टिकट, ये रही टिकट, ये टिकट मेरे को 100 रुपये की पड़ी है, क्योंकि आज हम संडे को आए हैं। और अगर आप नॉर्मल डे में आते हो, मतलब ट्यूसडे से लेकर के और सैटरडे तक, तो आपको 50 रुपये पड़ेंगे। देख लो गाइस, भैया एकदम पूरा फाड़ वाड़ लिया इन्होंने कपड़े। तो अभी चलते हैं, ये रहा वंडर पार्क का गेट, अंदर चल के दिखाते हैं। और अभी थोड़ा हम लोग रात तक रुकने वाले हैं, तो रात का व्यू काफ़ी प्यारा है यहाँ का होता है। तो अभी टिकट लेके निकलते हैं अंदर के लिए। तो गाइस यहाँ पे उससे यहाँ पे वो जिस पार्क का दिखेगा वहाँ से हम लोग आए, और यहाँ पे अपना फवारा है, और इस साइड में देख सकते हो यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है जितने 7 वंडर्स हो जाए यहाँ पे। ये पार्क 7 वंडर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे स्कूटर आ रहे हैं, लोग फोटो सेशन करा रहे हैं। अभी अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे आपको पिरामिड दिख रहा है अपना, चल के प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। 7 वंडर्स जितने भी यहाँ पे शो कराए गए 7 वंडर्स को, और यहाँ पे ढेर सारे कुत्ते भी हमको दिख रहे हैं भैया, देखो। ओ भाई, तो ये रहा पिरामिड, देख लो गाइस कितना बड़ा बना रखा है। मतलब कैमरे में आपको पता नहीं अच्छे से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सामने से काफी बड़ा है ये। करना थोड़ी है यार, देखो गाइस अंदर आते ही भैया एक मुझे मिला, जो ये अकेला था, तो मैंने इनको अप्रोच किया कि भैया आपकी फोटो मैं ले दूंगा और आप मेरी फोटो ले देना। तो भैया ने मस्त बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, और थोड़ा कैमरे के आगे शरमा रहे थे, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी बैठने बैठने के लिए पूरा बना रखा है इस साइड में, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया भैया। इसका नाम तो हमको नहीं पता ही क्या है, देखना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या। तो गाइस देख लीजिए क्या है, टावर ऑफ पीसा है, मतलब कि ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन डुप्लीकेट है, लेकिन काफी अच्छा बना रखा है। और टेढ़ा, ये देख लो भाई ये उंगली सीधी है, ये टेढ़ा है पूरा। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग ताजमहल के पास है, आपको ताजमहल दिखाता हूँ, काला ताजमहल है यहाँ पे। ये देखो ये है काला ताजमहल, देख रहा कैसा है, मतलब आपको धूप ज्यादा लग रही हो ना तो इससे अच्छा दिख नहीं रहा होगा। ये है काला ताजमहल अपने यहाँ पे भैया। यहाँ पे इतनी अल्टीमेट चीज़ें हैं, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब रात में यहाँ का सीन कुछ अलग ही होता है, अभी तो डे में हम लोग घूम रहे हैं, रात में थोड़ी देर में रात हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी हम लोग रुक रहे हैं, तो रात का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अभी। पहले अभी ये देख लो क्या सीन है यहाँ का, मतलब कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख लो। और पानी वानी एकदम सेम टू सेम आगरा वाली फील आ रही है मेरे को। तो यहाँ पे का सीन ये है कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गई। ये कौन सा था भैया, नाम क्या लिखा था वहाँ पे, अभी तो बोले कैमरा क्या, इतना ज्यादा शर्मा रहे हैं ये, और ज्यादा शर्मा रहे हैं। तो पता नहीं कौन सा था, मेरे को नहीं पता भैया, उसने ऐसे कर रखा था ऐसे, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे हाथ में डंडा लेके आग करता है ऐसे, बॉम्ब फायर वाला। तो अभी आगे इन्होंने बोला, मतलब जू वाली फील आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जू में हम लोग घूम रहे हैं। ये रहा ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देख लो गाइस ये है अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओ भाई, मतलब कलाकारी बहुत तगड़ी वाली, कलाकार लोग यहाँ पे भरे पड़े, देख लो भाई। यहाँ पे संडे को क्राउड ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन उतना क्राउड होता नहीं है। और आज 100 रुपये मैंने देख करके, मुझे लग रहा है कि भैया पैसा वसूल पहली बार मेरा हुआ। देख लो, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक्सपोजर ऊपर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पता है सीन क्या है कि यहाँ पे आप अगर आते हो ना, तो यार मतलब छोटा सा स्पेस है, उतना लंबा खासा भी स्पेस नहीं है, छोटा ही स्पेस है, लेकिन यहाँ पे सारे वंडर्स को कवर कर दिया गया, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यार जो है यही है अपना सीन आगे का, अभी चल के अभी आगे और दिखाते हैं, और रात का सीन अभी तो बाकी है, रात में क्या क्या होने वाला है। तो गाइस अभी आपको जैसा कि सारी चीज़ें हमने दिखा दी, क्या क्या यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं, और अभी धीरे धीरे शाम भी होने लगी है, लेकिन आज हम लोग रात का ब्लॉग नहीं शूट करने वाले हैं। रात का ब्लॉग आपको, मतलब रात वाला सीन जितना भी होता है आपको दूसरे कभी किसी और दिन में दिखा दूंगा, क्योंकि इमरजेंसी आ गई है, कॉल आ चुका है, तो हम लोग निकलने वाले हैं।
तो जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि हमने वंडर पार्क को एक्सप्लोर किया, सारे वंडर्स दिखे आप लोगों को, और अभी भी देख लो शाम के टाइम में क्राउड बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो क्राउड बढ़ते जा रहा है, और हम लोग अभी जाके एग्जिट करने वाले हैं गेट पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मजा आया, अगर मजा आया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और भाई सब्सक्राइब कर दो, उनके होने वाले हैं।